तो उसके लिए आरजीजी इसके लिए ना वारंटी लेना जरूरी है, क्योंकि अंदर का सिस्टम उनका सही होना जरूरी है। और उसके अलावा जब जो बाल आते हैं उसको आप लोग अगर वैक्स करके निकाल दो, आप लोग पार्लर में जाओ, अगर घर में करते घर में करो, पार्लर में जाओ वैक्स करके अच्छी तरीके से पकड़ के उसको निकालो। निकालने के बाद टीटी क्रीम उसके ऊपर लगाओ, थोड़ा चेबी ऑयल लेके, ज्यादा नहीं, थोड़ा चेबी ऑयल लेके उसके ऊपर आप टीटी क्रीम लगा दोगे। बहुत सारे लोगों को ये वाले भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो करने के बाद टीटी क्रीम लगाओ, आपकी हेयर ग्रोथ कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अनवांटेड बाल, जो हमको जिस्म पे बाल नहीं चाहिए उस पे वैक्स करके इसको लगाओ, आपकी ग्रोथ कम। और ये मेरा आजमाया हुआ है वो मैं बता दूँ। जैसे यंग लड़कियां होती है पीरियड्स के पहले, है ना, बिफोर पीरियड्स, जैसे 11 साल है 10 साल तो बहुत जल्दी आ जाता है, तो उसके पहले जो रुआ होता है अंडरआर्म्स में, जरूरत ही नहीं है ना अंडरआर्म्स के बालों की, तो वो बच्चों को जो रुआ आता है अंडरआर्म्स में उसको आप रुआ को वैक्स करो, उसके ऊपर ये लगाना शुरू करो, उनको बाल अंडरआर्म्स में आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसको कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पैदा होते थे तो फॉरहेड पे बाल पूरे भरे हुए रहते हैं, ठीक है, और वो यंग हुए तब भी रहते, उनको भी आप ये कर सकते हो, वैक्स करके उनको टीटी क्रीम लगाओ। और ये आजमाया हुआ फार्मूला है वो बता, क्योंकि वहां अरबी लोगों को बहुत ये प्रॉब्लम होते हैं ना, गर्म मुल्क में खजूर वगैरह खाते ज्यादा ना, तो वो बाल हार्मोन से चेंज हो जाते और बाल आते, तो उनके लिए ये ट्रीटमेंट हमने आजमाया हुआ आप लोग को बता रहे, ठीक है जी। थोड़ा सा लेना है, थोड़ा सा दो ड्रॉप उसके साथ में, अगर इधर करें तो दो ड्रॉप चेरी ऑयल और थोड़ा सा लेना है, उसको मिक्स करके अच्छे से लगा दो वैक्स के बाद। दो तीन दिन लगाते रहो कंटिन्यू, उसके बाद फिर नेक्स्ट वैक्स करोगे फिर करो, तो चार पांच बार वैक्स करोगे करोगे ना, तो आपकी हेयर ग्रोथ खत्म हो जाएगी। लेकिन उनको खाने के लिए भी जरूरी है, खाने के लिए भी जरूरी है आरजीजीएल स्पिरुलिना मोरंजी हार्मोन्स को सही करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए ये तीनों चीजें देखें, ये लगाना है आपको।